नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपने 10th पास करी है तो आप ये फॉर्म जरूर फिल कर देना। कौन सी वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग गई है और कैसे आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सारी चीज़ें आपको मैं बहुत अच्छे से वीडियो में डिटेल्ड में समझाऊंगा। यदि आप ओनली 10th पास हो तो ये फॉर्म याद से भर देना, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत कम निकलती है और अच्छी खासी वैकेंसी इस बार निकली है। तो कौन सी वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ वो डिटेल्ड बताऊंगा। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं अपन जो वीडियो के माध्यम से जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो वैकेंसी का नाम भी बताऊंगा और कैसे आपको उस वैकेंसी को पास करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन बता दी है, यदि आप 10th पास हो तो भाई ये फॉर्म ज़रूर भर देना। तो जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ उस वैकेंसी का नाम है SSC MTS। SSC MTS की वैकेंसी निकली है, लगभग 8,500 पदों पर समथिंग आपकी ये वैकेंसी है वो निकली है, जिसमें आपके आधे पद MTS के और आधे हवलदार के हैं। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में निकली है, जो आप जैसे भोपाल हुआ आपका, जैसे यूपी जाओगे तो यूपी, दिल्ली हुआ तो दिल्ली, आप कहीं भी चल जाओगे, कोई से भी स्टेट में चल जाओगे तो वहाँ पर अलग अलग आपकी निकली हुई है। तो इसमें आपकी जो वैकेंसी निकली है वो आधी MTS की है और आधी हवलदार की है। तो इसमें आपके जो पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे होने वाला है, तो अभी इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर नवंबर में ली जाएगी। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत ही ईजी पैटर्न रखा गया है और सिंगल एग्ज़ाम आपका रखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हो, तो यहाँ पर आपके जो है सेशन, दो सेशन में आपके एग्ज़ाम होंगे सेम डे में दो सेशन के एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट सेशन में आपके मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाएगी, 20-20 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाएगी, जो कि बिल्कुल क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग करना है बस आपको, आपको उसका कट ऑफ कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे ही 45 मिनट का जो सेशन आपका ख़त्म होगा तो सेकेंड सेशन आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत उस सेशन स्टार्ट होगा। तो उसमें आपका 25 नंबर की इंग्लिश और 25 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा। ये जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो ऐसे करके आपको 150 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। तो इसमें आपका जो है 1 नंबर की माइनस मार्किंग रहेगी, 1 नंबर की माइनस मार्किंग रहेगी और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है। और मेरिट आपकी बनेगी जो सेकेंड सेशन वाला पेपर है, 25 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस और 25 नंबर की इंग्लिश, जो आपका 50 नंबर का पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो है मेरिट बनेगी। आपका जो MTS में कोई भी सेकेंड फेज का एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और हवलदार वाले में आपका है, आपको जो है 5 मिनट में 1600 मीटर आपको पैदल चलना है। तो ये आपका रखा गया है और आपकी जो मिनिमम 157 आपकी हाइट रखी गई है और 5 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट वो आपको फुलना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। तो ईजी है सारी चीज़ें और आपका जो हवलदार और MTS का जो रखा गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से रखी गई है, जो कि एकदम ईजी वे में होने वाली है और लगभग 8,500 समथिंग आपके यहाँ पर पोस्ट होने वाली है। तो 10th पास वालों के लिए बहुत शानदार मौका है। यदि आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिए तो मस्ट ट्राई SSC MTS। तो यही आपको बताना था, होप्स आपको चाहिए समझ में आ गई हुई चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।